ताजनगरी आगरा में नवरात्रि शुरू होते ही मूर्तियों का बाजार सज गया। पूरे बाजार में माता रानी की रंग बिरंगी मूर्तियां देखने को मिली। वहीं दुकान स्वामियों ने बताया कि कोरोना की वजह से ग्राहकों की संख्या में कमी है। शारदीय नवरात्रों का पर्व शुरू हो चुका है। इस दौरान ताजनगरी में भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। हर ओर माता रानी की रंग बिरंगी मूर्तियां नजर आ रही है। वहीं सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है। वहीं जब इस बारे में दुकान स्वामी से बात की गई तो उसने बताया कि बीते लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बाजारों में अभी रौनक फीकी है और जो ग्राहक आ रहे हैं वह सही कीमत पर सामान नहीं खरीदना चाहते। भीड़ तो जरूर लग रही है लेकिन भीड़ ग्राहक की कम है और ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक की वजह से भीड़ नज़र आ रही है लेकिन दो साल से जो आपका लॉकडाउन का जो चला, पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ा लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा उससे पहले के लॉकडाउन में तो लोग पहली बार जिंदगी में लगा था लोग समझ नहीं पाए थे क्या है क्या नहीं लोग वो समय निकल गया लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा उससे लोगों के हर चीज़ पर फ़र्क पड़ा है। हमारी दुकानदारी पे भी फर्क पड़ा है जो कि हम 100-100 पीस 200-200 पीस बेच लेते थे छोटी बड़ी मिला के माता आज 50 पीस बेचना मुश्किल पड़ेगा। तो आज के कस्टमर आ नहीं पा रहे क्या दिक्कत है? कस्टमर आता है लेकिन कस्टमर आने के बाद जो चीज़ 100 रुपये की है वो उसके 30 रुपये देना चाहते हैं लेकिन जो चीज़ 100 रुपये की हम बेच रहे हैं तो कम से कम 70-75 रुपये की जो खरीदी गई हुई वो उसके 30-40 रुपये दे रहा है तो 5 रुपये देंगे। हर चीज़ का फ़र्क पड़ा है लेकिन कस्टमर भी इस चीज़ को पहले से आधे पैसे से भी कम पैसे लगाता है और दे भी पाते। पहले तो ये था कि उनको 100 रुपये की मिलती थी तो 20-80 रुपये 75 रुपये लगा के दे देते थे हम लोग लेकिन इस समय ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि कस्टमर एंड टाइम पे आ रहा है। पहले 5-5 दिन पहले 1 हफ्ते पहले बुकिंग कराया जाता था लेकिन बुकिंग सिस्टम खत्म हो चुका लोग कस्टमर आया ही नहीं बुकिंग कराने के लिए। बहुत फ़र्क पड़ा है हर चीज़ पर।